हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9.17। अ फिगर 9.35 शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लाइट पाइप मेड ऑफ अ ग्लास फाइबर ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68। द आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप इज मेड ऑफ अ मटीरियल ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका जो है ना, ये जो N1 इसका हो जाएगा 1.68 और N2 इसका हो जाएगा 1.44, है ना। और व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज विद द एक्सिस ऑफ पाइप फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इनसाइड द पाइप एज शोन इन फिगर। देखो, सवाल में बोला क्या, पहला सवाल कि अपना ये जो आई, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये अपना आई है, ये अपना आई डैस है। अगर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है तो ये आई डैस की वैल्यू जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमें आर की वैल्यू सेट करनी है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें आई की वैल्यू सेट करनी है। तो इसकी रेंज क्या होगी, ये हमें सवाल में पूछा है। ठीक है, ये हो गया अपना सवाल। तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले अगर मुझे इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है ना, फॉर टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द पाइप, तो उसके लिए ना, उसके लिए जो होना चाहिए आई डैश से ग्रेटर देन आई डैश सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो थीटा आपका जो आई डैश सी जो होगा हो जाएगा साइन इनवर्स N2/N1, है ना। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला N2/N1। तो साइन इनवर्स 1.44 डिवाइड बाय 1.68। तो यहां से देख सकते हो कि आई डैश सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.8571। और इसको सिंप्लीफाई करोगे बाय यूजिंग साइन कोसाइन टेबल तो हो जाएगा 59 डिग्री। ठीक है, समझ रहे हो। तो आई डैश सी जो आपका होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 59 डिग्री से। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये आर की वैल्यू सेट करनी है। तो आर जो है, आर कितना होना चाहिए मैक्सिमम, तो आर जो है, आर मैक्सिमम होना चाहिए 90 - 59। करूँ मैं कैसे, देखो ये एंगल 90 है ना, पूरा ट्राइंगल बनता है ना, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होनी चाहिए 59 से। ठीक है, तो आर जो है मैक्सिमम कहाँ तक जाना चाहिए, तो आर मैक्सिमम जाना चाहिए 31 तक। उससे ज़्यादा, उससे कम ही होना चाहिए आर की वैल्यूज, है ना, उससे कम ही होनी चाहिए, तब जाके हमारा ये आई डैश सी जो ये सेट होगा, वरना सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो, इसको पॉइंट मान लो ए बोल दूँ मैं, यूजिंग स्नेल्स लो एट अ पॉइंट ए, तो ये अपना कुछ हो जाएगा साइन आई सी इज इक्वल टू N1 sin R। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हमारी 31, ये वाली। आफ्टर फर्दर सिंप्लीफिकेशन व्हाट आई विल गेट, साइन आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 1.68, है ना, N1 के लिए 1.68 इंटू साइन 31। इसको सिंप्लीफाई करो, हो जाएगा साइन इनवर्स 0.8662, तो ये हो जाएगा अपना कुछ 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आई की जो वैल्यूज आनी चाहिए लेस देन क्या आनी चाहिए, 60 डिग्री आनी चाहिए आई ए वाला। ठीक है, तब जाके इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 59 से सेट होगा, जब ये इसके इनसाइड रहेगा। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा, आई होना चाहिए लेस देन 0, लेस देन 59, दिस इज व्हाट योर आंसर। तो ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, अब देखो सब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। सब क्वेश्चन नंबर टू में देखो हमें बोला है कि अगर मान लो इसको कवर नहीं होता है, ठीक है, पहले क्या था, ये इसका कवर था ना, ये वाला कवर, ये अगर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं इसका डायग्राम एक छोटा मोटा ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर
देखो हो जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐसे हो गया, थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया कुछ ऐसे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गई एक्सिस बीच वाली। तो यहाँ से देखो ये अपना गया, रे से गया ऐसे होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये इंसिडेंट होगा यहाँ पे। तो ये थीटा हो गया। ठीक है, थीटा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए फॉर TIR तो थीटा जो ग्रेटर होना चाहिए थीटा सी से, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए, तब जाके ही आपकी रे जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो पाएगी। तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन टू बाई एन वन, एन टू कौन सा, वन एयर मीडियम है, एन वन कितना है 1.68। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये 1.68 है। तो यहाँ से हम आगे देखें, यहाँ से हम आगे देखें, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अपनी वैल्यूज जो आएगी साइन इनवर्स 0.5952, तो ये कुछ हो जाएगा 36.5 डिग्री, है ना, 36.5 डिग्री। तो इस केस में आप देख सकते हो कि ये देखो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक प्रिज्म बन सकता, ये पूरा बन सकता है प्रिज्म। देखो ये पूरा प्रिज्म बना और ये क्या एंगल, ये 90 डिग्री है। अगर ये थीटा, ये जो थीटा है, ये क्रिटिकल एंगल थीटा है ना, ये 90 से अगर छोटा होता है, 90 से अगर छोटा होता है, तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगर 90 से छोटा है तो सारी की सारी रे जो है, ठीक है, सारी की सारी रे जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। ठीक है, कि सारी की सारी जो रे है वो इनर रिफ्लेक्ट होगी, सिलेंडर के इनर रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ से आप बोल सकते हो थीटा सी जो है इज लेस देन 90 डिग्री, है ना, ये प्रिज्म एंगल है ना सामने वाला ये। तो उस केस में हमारा जो है ये कवर ना होने के बावजूद भी ये पूरा जो है क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आ रही चीज, ये प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है ना, तो ये 90 तक वैलिड है, अगर ये 90 तक जाएगा तो वहाँ तक वैलिड, इसलिए यहाँ से जो रेंज हो जाएगी लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज व्हाट योर आंसर ना, 90 के लिए, अगर 90 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, 90 से लेस देन है तो फिर ये हो सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, थीटा इज वॉट ट्वाइस लेस देन दैट ऑफ, ट्वाइस लेस देन दैट ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो थियरी के फॉर्म में कि ऑल लाइट, यहाँ पे लिख लो ऑल लाइट रे इज इंसिडेंट ऑल लाइट इंसिडेंट रे इज on inner cylindrical surface of pipe will be internally reflect। तो क्या होगी, internal reflect होगी। तो यहां से आंसर हो गया आपका ये। ठीक है, ये होगा सिंपल सोल्यूशन। थोड़ा ही आपको अजीब सा लग सकता है ये वाली चीज़, प्रिज्म में आती है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यूज करा हुआ है।